वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे। तीन दिन मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं डाला है। एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, ये ना फीवर भी हुआ हुआ था साथ मेरा, ना अंदर से सारा नाक इतना पका हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। जैसे गला पक जाता है ना, तो वैसे मेरा नाक पक गया हुआ था, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी से पानी शायद कम पिया जा रहा है, तो साथ फीवर भी हो गया हुआ था। बहुत सारे काम रुक भी गए थे, जैसे ईद के, हर चीज़ के, इस तरह के। फिर व्लॉग तो मैं बिल्कुल भी नहीं डाल सकती थी, मैं तो थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए ना, फिर मैं आपके फिर व्लॉग डालूंगी। फिर दिल भी नहीं कर रहा था यार, सीरियस जो सच्ची बात है, व्लॉग डालने का और वीडियो बनाने का भी नहीं दिल कर रहा था, बहुत तबीयत ख़राब थी। अल्लाह का शुक्र आज बेहतर हूँ काफ़ी, और मैं कहा चलो वीडियो तो स्टार्ट करते हैं ना भाई। और सुनाओ, आप लोग सुनाओ, आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने एक बार नहीं पूछा यार, आप ही क्या हो गया, आपको किधर चली गई हो, किसी ने एक बार नहीं पूछा यार। आप लोग मेरी बहुत अच्छी फैमिली नहीं हो यार, मैंने तो आप लोगों को दिल से फैमिली माना, लेकिन आप लोग मैं कहती हूँ बिल्कुल भी अच्छी फैमिली नहीं हो। 5 सब्सक्राइबर हो गए थे कसम से उसी दिन, फिर 2 भाग गए, 2 मतलब 3 रह गए। या फिर सब्सक्राइब किए क्यों था जब अनसब्सक्राइब करना था? नहीं दिल ना करो, मैंने ये तो नहीं ना कहा कि ज़बरदस्ती करो, ये तो लेकिन फजूल हरकत है ना, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दो यार। आप लोग भी बस खैर छोड़ो। और सुनाओ, आप लोग ईद की तैयारी होगी, रोज़े कैसे जा रहे हैं, और रफ्तारियाँ सही चल रही हैं आप लोगों की? और सुनाओ कैसे हो, मज़ेदार हो? ये मैं आपको दिखाऊँ मौसम किस कदर खूबसूरत आ रही हूँ, खूबसूरत हुआ आज इस एंगल से ना, मुझे स्ट्रीट बहुत प्यारी लगती है। ये देखें मौसम चेक करें कितना प्यारा हुआ है, शायद आपको कैमरे में ना पता चल रहा हो, लेकिन प्यारा बहुत हुआ है। इस तरफ से ना बहुत खूबसूरत मौसम हुआ है। ये मेरी बिल्ली देखें, बिल्ली फबीहा, फबीहा वेयर आर यू? अंदर शूज नहीं पहने हुए। आप क्या खा रहे हो फबीहा? फबीहा आप क्या खा रहे हो? इसकी आइसक्रीम में नहीं खत्म होती, और आइसक्रीम वाले भी नहीं मैं बाहर आते, रोज रोज आते। आज हम बना रहे इफ्तारी, तो मैं कोई इतनी खास ही बना रही, तबीयत इतनी कोई ठीक नहीं थी, थोड़े से पकोड़े बनाएंगे और थोड़े से ही फ्राइज बनाएंगे बस। आज चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, साथ सोच रही हूँ रोटियाँ बना लेंगे बस, आज हल्का फुल्का ही ठीक है। रोटी इफ्तारी में खाए ना सिंपल, कसम से इतना स्वाद आता है। हम तो ऐवी पता नहीं, रोल तलो तो पकौड़े तलो तो तली हुई चीज़ें बनाओ, है ना भैया, है ना भैया? ये मेरी प्याली बेटी है, मेरी बहुत पाली बेटी है, मम्मा की बहुत पाली बेटी है ना भैया। और कसम से आप लोग इफ्तारी में ना खाना खा के देखें, ना कोई पेट फूलना है, ना कोई तजाबियत होनी है, ना कोई मैदा खराब होना है, और बंदा सही रहता है यार। पता नहीं तली, मैं तो ये सोच रही थी 2-3 दिन पहले, पता नहीं किसने रिवाज निकाला कि इफ्तारी में ना बस चीज़ें तली हुई खानी, कचौरियाँ होगी तो पकौड़े रोल फ्राइज, जैसे इफ्तारी इसके बगैर खुलनी ही नहीं है यार। तो बस एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लोग उसी को फॉलो करते हैं। मैंने तो ज़िंदगी में ना जितने भी रमज़ान गुजरे, पहली दफ़ा ना अब खाना खाना स्टार्ट किया इफ्तारी में, तो कसम से खाने खाने का ही मज़ा आता है, जितना सिंपल फूड हो उतना ही मज़ा आता है। और आप लोग सुनाए जो फबिया, आपकी आइसक्रीमें नहीं ख़त्म होती, रोज़ रोज़ खाना भी अच्छी बात है, रोज़े रखा करो, ऊपर से सारा दिन सोती भी नहीं हो। ओ मम्मी, मम्मी बा, इधर एक हमारी फोटो हो जाए। चलिए अब मैं चिकन ड्राई स्टार्ट करने लगी हूँ, और अभी इस टाइम हमारा दूध आता है, दूध को बॉईल करने रखा हुआ है, साथ ही बनाएंगे हम चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के साथ साथ मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है भाई, और क्लास। तो ये बनाते हैं साथ
चलते चलते जो जो होता है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। मौसम इतना शानदार हुआ है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ। अब मैं बाहर तो जा नहीं सकती जो दिखाऊँ, जो उस टाइम दिखाए थे ना दिन को, इस टाइम तो और क्लास लग रहा है, तेज़म तेज़ बारिश आने वाली है। और आप लोग सुनाए, सब ठीक ठाक हैं? मेरी तो तबीयत पिछले 3-4 दिन से इतनी ख़राब हो गई थी ना कि बस ना पूछो, नाक इतना पक गया कि वो इतनी तकलीफ, ऊपर से फीवर हो गया था। चलिए खैर, ये तो बातें मैं आपको सुबह बता चुकी हूँ ना। स्टार्ट करते हैं हम अपनी चिकन कढ़ाई से और साथ तंदूर से रोटियाँ मंगाएंगे, गर्मा गर्म खमीरी रोटियाँ। अगर तो बारिश लगी हुई तो फिर कैंसिल हो जाएगा, घर में बनेंगे। अगर ना लगी हुई तो तंदूर से मंगवाएंगे, तंदूर इतना दूर नहीं है, नज़दीक नहीं है। और चिकन कढ़ाई के साथ तो तंदूर की खमीरी रोटी का ही मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो इधर अब दूध बॉयल हो रहा है ना, मैं आपको कल या परसों दूध से ही ना क्रीम चीज़ बनाना सिखाऊंगी, जो भाई बहुत महंगी मिलती है ना, आप टोस्ट पे भी स्प्रेड करके खा सकते हैं। साथ साथ हम इधर अपना कैमरा भी सेट कर रहे हैं, साथ आप बहुत सारे डेजर्ट्स में भी डलती है और सैलेड की ड्रेसिंग्स में भी काम आती है, बहुत काम आती है भाई, बहुत काम, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अब यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त बन जाती है ना, बिल्कुल बाहर जैसी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो भी रेसिपी कल या परसों लाजमन शेयर करूँगी। अभी हम जी स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन कढ़ाई से। यार सत्यानाश, चलो अभी इधर फोकस करते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं। थोड़ा जिया और डाल देते हैं, थोड़ा जिया। यार जब भी कैमरा सेट करूँ ना कोई चीज़ भूल जाती है निकालना, सब्र करना। अच्छा जी, ये हमने रख लिया है, चूल्हा ऑन कर लिया है, ऑयल गर्म हो गया है और ये हमने मुर्गी रखी है। जब भी मुर्गी को आप डी फ्रीज करें, आप ताज़ी आती है वॉश करने करें, इसको पहले सिरके में नमक में डाल के भिगो दें। ये इस तरीके से साफ़ शफाफ सफ़ेद हो जाती है, इसमें से सारा जो खून होता है या जो डी फ्रीज से निकालते खून जमा होता है वो भी निकल जाता है। पहले जी इस तरीके से हमने ले लिया है गार्लिक को चॉप किया हुआ, इसको बाद में डालेंगे, पहले हम डाल देते हैं अपनी मुर्गी। क्या करो भाई, क्या करो, हाँ मार लिया बढ़िया। पीछे कर दो, पीछे कर दी, इधर रख लेती हूँ मैं कैमरा। अब इसको ऑयल में थोड़ी देर इसको भूनेंगे, कलर इसका ब्राउन करेंगे, फिर आप अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे, साथ ही गार्लिक डाल दूंगी चॉप किया हुआ, फिर इसको थोड़ी देर भूनेंगे, फिर मिलती हूँ आप। इस पेज पे हमने गार्लिक डाल दिए, इससे ये देखिए आपको गार्लिक नज़र आ रहा होगा। अब इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे, इसका रंग हम बदलेंगे। साथ मैं काट के रखती हूँ जी टमाटर। टमाटर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और पीलर से इसका ऊपर से सारा छिलका उतार देंगे। ठीक है, टमाटर हमने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हल्दी और वो साबुत धनिया। अभी मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ, वेट करें। अच्छा, कढ़ाई होगी और क्या कहते हैं, जितने भी चाइनीज़ खाने होंगे और कढ़ाई होगी, इन सबको आप कोशिश क्या करें, हाई फ्लेम पे बनाया करें। ये हाई फ्लेम पे ही बनते हैं और अच्छे बनते हैं। ये हमने हल्दी डाल दी है, चिकन लगा दी और इसको रखने दी है तब तक ये पकती है और चिकन ज़्यादा नरम होता है, टमाटर फिर मिलती है, फिर बताती हूँ आपको इसमें आगे क्या करना है।
अच्छा, अब इसमें देखिए टमाटर काफ़ी गल गया, अब इसमें ऐड कर देंगे हम दही। ये देखिए घर का लगाया हुआ दही है, अभी मैंने आपको चेक भी कराया, इतना शानदार लगता है ना, बस पूछो ही मत। दही डाल के फिर मिक्स करके हमने वापस रख दिया था इसके ऊपर ढक्कन, लिड लगा दी हमने। इसी के साथ मैं आपको चेक करवाती हूँ बाहर का मज़ेदार मौसम, यार बड़ा शानदार हुआ है। कढ़ाई रख के मैं अभी बाहर आई हूँ, मैं कहा आप लोगों को मौसम चेक कराती हूँ। चेक करो भाई मौसम चेक करो, इतनी मज़ेदार आवाज आती है ना, आंधी आ गई अंदर चलती है। अच्छा अब हम इसको स्टेज पे ऐड करेंगे, जब आपको लगे ना कढ़ाई आपकी तैयार हो गई है, इसमें हम ऐड करेंगे चिली सॉस। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना, एक या दो टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसमें हम ऐड करेंगे इसमें काली मिर्चें, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, उफ। यार वो काली मिर्चें अपने हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि मिर्च तो हमने इसमें भी डाली नहीं हुई, और बस हरी मिर्चें डालेंगे अभी, वो भी मेरे पास कम पड़ी है, वरना मैं ज़्यादा डालती हूँ, ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया है। चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। स्टेज में ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और फिर इसकी सैम्बलिंग करेंगे, धनिया पुदीना डालेंगे, बनती बहुत मज़ेदार है। उधर हमारे फ्राइज भी हो गए, अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए फबिया बाहर से आई है ना, फबिया को ठंड लग रही है, फबिया आके ऐसे ऐसे कर, फबिया करो, फबिया आके ना इतनी एक्टिंग है, ऐसे ऐसे कर रही है, मुझे सर्दी लग रही है। फबिया कैसे कर रही थी, फबिया करके दिखाओ कैसे, आप कैसे कर रही थी भाई, अल्लाह इसकी क्यों एक्टिंग। अच्छा इन बात सुनो, बात सुनो फबिया, फबिया फबिया हार्ट कैसे बनाती हो, दिल दिल बना के दिखाओ, बताऊँगी। अच्छा जी हमारी इफ्तारी भी आ गई आज, इसमें है फ्रूट चाट, मैक्रोनी, और मेरे ख्याल दही भले और नीचे फ्राई हुई भी चीज़ें, ये आ गई जी हमारे इन लॉ से, और मेरे इन लॉ से सॉरी आ गई, और बकाया जो हमने कढ़ाई शढ़ाई मंगवाई थी वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए उन्होंने भिजवा दिए। और देखें फबिया का सारा दिन बस यही काम होते हैं, गंदी बच्ची बनी हुई है बहुत। अच्छा चेक करें कढ़ाई की फाइनल लुक तैयार हो गई है, सही मज़ेदार बन गई है, सही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मंगाते हैं तंदूर से खमीरी रोटी का, टेबल वगैरह सेट करते हैं और फिर खाते हैं, फिर आपको रिव्यू रोज़ा वगैरह खोल लिया, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाभ भी है। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस, सॉरी बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तब तक के लिए लाभ।